आज अल्कीन करेंगे, ठीक है? हम अल्कीन में ट्रिक देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मस्त सा मजा आएगा। और जो भी आज कराऊंगी 1 घंटे में या 1 घंटे 15 मिनट में जितना भी होगा, उससे रिलेटेड आपके डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उससे पहले आप एल्केन का डीपीपी सोल्व करके सबमिट करेंगे। मैं देख रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कौन कौन कर रहे हो कौन कौन नहीं कर रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद जब एल्केन का मिलेगा तो तब कर लेना, ठीक है? और हाँ, ऐसा भी हो सकता है डीपीपी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हो केमिस्ट्री की, ठीक है? तो फिर उसमें ये मत सोचना कि ये तो करवाया ही नहीं, जस्ट वो बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। सैफ भी आ गया। सैफ तुम्हारा भाई नहीं आया? कैफ वहां छोड़े आ आज। रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सारे बच्चों को, अपने दोस्त लोगों को बुलाओ। हाय निशिकांत, हाय आदित्य, चलो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन देखेंगे छुटकू सा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, 15 नहीं 18 बच्चे हैं, इतने कम लेके क्यों नहीं आते तुम अपने फ्रेंड्स लोगों को? उनको बोलो 8 बजे की क्लास है, उठ जाया करो। अब तो आज स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं तुम्हारे, तो आना चाहिए ना मॉर्निंग में। कम से कम 50 बच्चे तो हो एक क्लास में। नेक्स्ट टाइम से कोई 8 बजे के बाद आया ना, मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगी उससे। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जितने भी ये 20 बच्चे हैं वो 8 बजे का टाइम उनके लिए सही है ना? क्योंकि आप लोगों का आई थिंक स्कूल 12 बजे होता है। जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बोलो, फिर मैं स्टार्ट ही करती हूँ। वेरी गुड, ओके ओके। ठीक है, समझ गई। आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। चलो देखो बच्चे, एल्केन वाला हमारा हो गया था, क्या कह रहे हो? 9 बजे, एक सेकंड। नो मैम, 7 बजे से मैम फादर ऑफिस जाते हैं। तो धीरज आप रात को फ्री होते हो 8:30 या 8 बजे? अनम्यूट करके बोलो जल्दी। ओके, तो आपका ऑफलाइन वाला सिस्टम है। टाइमिंग थोड़ा चेंज नहीं हो सकता 8 से, मतलब तो 9 बजे 9:30 हो जाए तो। मतलब जैसे मैं ये 8 बजे की क्लास ले रही हूँ, उसको 9:30 तक ले जाऊं, ये कह रहे हो? नहीं, मैम 9:30 से स्टार्ट हो या फिर 9 बजे से स्टार्ट हो। क्यों 8 बजे कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? मैम थोड़ा हम टाइम नहीं निकल पाता थोड़ा, इसलिए मैम बच्चे देखो ना, एक्चुअली ना स्टूडेंट से रात को ज्यादा। पढ़ाई करने के बाद ना फिर थोड़ा, फिर सुबह सुबह सुनो, उठ के थोड़ा नींद सी आती है, हाँ नींद सुनो पूरी नहीं हो कैफ पाती। कैफ बच्चे सुनो, देखो ये वाली ना प्रॉब्लम ना हर स्टूडेंट की लाइफ में होती है, हर स्टूडेंट की लाइफ में होती है, जो कि क्योंकि आपका ये स्टेज क्रूशियल है, राइट? तो आपको 1 साल तक ना नींदें थोड़ी त्यागनी भी पड़ेंगी। देखो सच्ची बताऊँ तो मैं, ठीक है, नींद में ऐसे नहीं कह रही 7-8 घंटे की तो नींद लो, लेकिन क्या है ना बच्चे, हमारी भी सोचो स्टूडेंट से ज्यादा। अब हमें देखना पड़ रहा है कि किस बच्चे का स्कूल जो है किस टाइम पे होता है, हम उसके अकॉर्डिंग रख पाएंगे, है ना? तो क्योंकि आप लोगों का मोस्टली, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, यहाँ 25 एक हो, तो उनका 12 बजे का टाइमिंग है, तो 8 बजे रखना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर हम 9 बजे रख दे 9 बजे रख देते हैं, वैसे आपसे टाइमिंग का आई थिंक पूछा जाएगा, क्योंकि मंडे से टाइमिंग का थोड़ा चेंज हो रहा है। तो पर मैं ये कहूंगी कि प्लीज थोड़ा 8 बजे आने की ट्राई किया करो, क्योंकि ये ना आपके लिए ठीक है, आपसे नहीं मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा हमारा भी सोचो, है ना? 8 बजे का ही ठीक है सुबह। हाँ
ठीक है, अब मैं ये चाहती थी कि एटलीस्ट इसमें 40 to 45 स्टूडेंट की तो स्ट्रेंथ रहे। अब आप खुद देखो सिर्फ 25 बच्चे हैं इसमें, सिर्फ 25। तो मैं आपको ये ड्यूटी दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से 45 बच्चे लेके आओगे आप लोग, ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग सागर। अब सोच रहे होंगे मैम हम कहाँ से लाए बच्चे, हैं ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे नहीं, मतलब वो बात नहीं है, पड़ोस के बच्चे नहीं, मतलब जैसे जो ग्रुप में बच्चे हैं, क्योंकि ज्वाइन नहीं कर रहे ना, यही प्रॉब्लम तो हो रही है बेटा, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको ये बोलो कि भैया भाई ज्वाइन कर ले, तू 8 बजे का लेक्चर है, ज्वाइन कर ले, 1 घंटे की बात है। चलो चलो अब करते हैं, चलो बातें बंद। वैसे कोई फ्रेंड होंगे बच्चे, आप मतलब आपके दोस्त लोग भी तो होते ही हैं, आप अपने ग्रुप भी तो बना के मैम रखते ग्रुप में हो, मैसेज नहीं कर सकते ना उसमें। हाँ वो तो मुझे पता, लेकिन आप अपने ग्रुप्स भी तो बना के रखते हो ना। अच्छा आदर्श कह रहे हैं मैं बोला था ज्वाइन ही नहीं होते। चलो देखो, हमने एल्केन्स कर लिया था, डीपीपी असाइनमेंट प्लीज सोल्व कर लेना, वो जस्ट एक प्रैक्टिस पेपर है, उसके मार्क्स नहीं लगने हैं, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करो, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाए उसके जाते। डाउट कब क्लियर होंगे सैफ क्या हुआ? मैम? उस पेपर का डाउट कब क्लियर करोगे थोड़े बहुत जो थे? अच्छा वैसे जो मैंने आपको दे दी आईडी उस पे कर लेना रिप्लाई, अगर मान लो थोड़ा पहले लेक्चर ओवर हो जाता है तो मैं डाउट ले लूंगी, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ बाकी सबमिट करा दो, आप सबमिट कर दो असाइनमेंट को, ठीक है प्लीज कर दो, इतनी मेहनत से आपके लिए बनाए जाते हैं, दो दो लेक्चर लिए हैं एल्केन पे, फिर डीपीपी बनाए गए, अब आपके लिए टेस्ट भी डिजाइन किया हुआ है, तो प्लीज हमारे एफर्ट्स को ऐसे बेकार मत जाने दो, आप भी मेहनत करो अपनी तरफ से। चलो ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन्स, देखो एल्कीन्स आज हम करने वाले हैं। देखो एल्कीन सिंपल है, आपको पता है अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक है, अनसेचुरेशन में हम एल्कीन्स और एल्काइन्स पढ़ते हैं, जिसमें से आज हम क्या पढ़ने वाले, एल्कीन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहां पे मेरी स्पीड अगर आपको लगे तेज है तो समझ जाना, वहां पे मैं आपको थोड़ा बेसिक ही बता रही हूँ, ठीक है, ज्यादा कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूँ उसमें, ये सब तो नो क्या बोलते हैं, बेसिक ही है जो मैं बता रही हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इनको ओलिफिन्स बोला जाता है, राइट? ओलिफिन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं नेचर में, नॉन पोलर होते हैं नेचर में, ठीक है, ओके। तो उसके बाद बच्चे देखो, सबसे पहला मेंबर कौन होता है हमारा एल्कीन का, आपको पता है इथीन होता है, ठीक है, मिनिमम दो कार्बन चाहिए आपको एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। और आपको पता है इसमें एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और आपको अच्छे से पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है पाई से। आवाज आ रही है? यस मैम, सिग्मा यस बॉन्ड, मैम। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है पाई से, ठीक है। तो अगर आप इसकी कोई रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो फर्दर क्या करेगा, रिएक्शन देगा, जबकि एल्केन में कैसे था, सिंगल बॉन्ड था, जिसकी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, हाँ या ना? यस मैम, यस यस मैम, मैम। ओके, एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है बच्चे नोमेनक्लेचर, देखो ये वाला सबसे सिंपल है, एल्केन से भी सिंपल है नोमेनक्लेचर एल्कीन का, जो सफिक्स है आप यूज करते हैं इन, पीछे इन लगाते हैं, इसमें भी सेम वही फंडा चलेगा, आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिसमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन तो कंसिडर कर ली उसमें डबल बॉन्ड को ही नहीं घुसाया, ऐसे नहीं करना, डबल बॉन्ड होना चाहिए उस लॉन्गेस्ट चेन में, और आपको क्या ट्राई करना है कि डबल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। जैसे देखो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें देखो अगर यहाँ से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3, यहाँ से करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, तो 1 2 3 क्या नाम है इसका, प्रोप, और 1 पे इन लगा हुआ है, प्रोप 1 इन, अगर 1 पे बच्चे डबल बॉन्ड लगा होता है तो आप सिंपल प्रोपीन भी बोल सकते हैं, आपको नंबर से शो करने की नीड नहीं है, अगर 2 3 पोजिशन पे होता है तो आपको जो है नंबर दिखाना होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो सेम ही आएगा, 1 2 3 4, क्या नाम है इसका, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, 1 3 पे क्या लगे हुए, डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड लगे हुए, तो डाई इन, सिंपल है ये तो, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही मैं, जल्दी बताओ, यस मैम, ब्यूट 1 3 डाई, ठीक है। तो आपके पास कैसा भी आए नोमेनक्लेचर, आपको उसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो डिसाइड करनी है, देन आपको जो है उसकी नेमिंग करनी है।
उसके बाद आपको पता है एल्कीन्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन आता है बच्चे, आपके सिस और ट्रांस आते हैं। ये तो बहुत वो हो गया, आपने पढ़ रखा होगा सिस और ट्रांस। कंडीशन क्या होती है बच्चे कि एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी वो जो है सिस और ट्रांस शो करेंगे। ठीक है, एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, अगर आपने दो सेम ग्रुप लगा दिए तो भैया वो सिस और ट्रांस शो नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज करते हो। एक बच्चे इसमें याद रखो, जो ये आपके साइक्लोएल्कीन्स होते हैं ना, साइक्लोएल्कीन्स जैसे आपके 3 मेंबर रिंग हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया, ठीक है, या 6 मेंबर रिंग हो गए, ये ऐसे मेंबर हैं बच्चे जो कि ना सिस एल्कीन ही शो करते हैं, जिसमें सिर्फ सिस ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। किसमें? 3 मेंबर, ध्यान रखोगे इसको, इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे हैं जिसमें क्या होता है सिर्फ सिस ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे, लाइक 7, 8, 9, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चे जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। कोई चीज बड़ी हो जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो वो सिस ट्रांस दोनों में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 7, 8 वाले और जो उससे हायर मेंबर है वो सिस और ट्रांस दिखाते हैं, जबकि जो लोअर साइक्लोएल्कीन्स हैं वो क्या दिखाते हैं, आपके सिस एल्केन दिखाते हैं। वैसे ये एक थ्योरी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, अगर किसी ने सुना होगा तो, जिसको हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं, जीओसी में डिस्कस करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इनमें स्ट्रेन होता है, इस वजह से ये सिस एल्केन शो करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, इसको नोट्स में मैं ऐड कर दूंगी। देखो ये तो कुछ नहीं है, सिंपल ब्यूटुइन का आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रखा है, सिस और ट्रांस। सिस में क्या है, दो ग्रुप आपके सेम साइड है और दो ग्रुप जो है अपोजिट साइड है, वो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। उसके बाद है बच्चे कि आप एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करोगे। जैसे हमने एल्केन्स में देखी थी प्रिपरेशन, इसमें भी वैसे है कि आप एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करोगे एल्काइन्स। और ये बच्चे इतना इंपॉर्टेंट मेथड है ना, जो मैं अब आपको दो दिखाने वाली हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताऊं आपको। मतलब पेपर में ना पूछ ही लिया जाता है और डायरेक्ट आता है, क्योंकि आप 12th में हो, आगे जाओगे ना ग्रेजुएशन या मास्टर्स में तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट करके पूछेंगे, लेकिन अभी आप 12th में हो तो उसमें सिंपल पूछते हैं क्या, कि अगर आपको एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करना है तो उसके लिए एक पॉपुलर कैटलिस्ट को यूज किया जाता है जिसका नाम है लिनलार कैटलिस्ट। क्या नाम है? लिनलार कैटलिस्ट। या तो पेपर में, या तो सिंपल पेपर में वो यही लिख के दे देंगे लिनलार कैटलिस्ट, या उसकी जगह लिख के दे देंगे पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, पैलेडियम को यूज किया जाता है। ठीक है, या लिख के दे देंगे पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन चारकोल, या लिख के दे देंगे क्विनोलिन। चाहे इनमें से कुछ भी लिखा है तीनों में, आपको समझ जाना है या ये लिखा है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, एल्काइन से सिस एल्कीन में बनेगा। जैसे हमने उसमें देखा था ना कैटेलिटिक रिडक्शन में, जो कैटेलिटिक सरफेस है, जैसे ही उसको एल्कीन अप्रोच करता है तो दो हाइड्रोजन चिपक जाते हैं, बताया था ना मैंने ऐसे, बताओ ऐसे चिपक जाता है। इसमें क्या था कि अगर आप मान लो इसमें एल्काइन में अगर आप यही वाला रिएजेंट डालते सेम H2 वाला, तो क्या होता, वो सारे के सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता। लेकिन हमें क्या बनाना है, एल्काइन से एल्कीन। तो एल्काइन से एल्कीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, वो भी सिस एल्कीन। ध्यान से सुनना, सिस एल्कीन बनेगा किसकी हेल्प से, लिनलार कैटलिस्ट। इसमें भी यही होता है, कैटलिटिक सरफेस होता है, हाइड्रोजन उस पर चिपके होते हैं, जैसे ही एल्काइन अप्रोच करेगा उसको तो सिस ज्योमेट्री में सिन एडिशन होगा, मतलब सेम साइड से उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसको प्लीज ध्यान रखना। देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। उसके बाद है, अब हमने देख लिया एल्काइन से सिस एल्कीन में कैसे चेंज होता है। क्या हुआ मनोज, स्लाइड बैक करना एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस मैम। वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी बेटा, टेंशन ना लो, मैं एक दो दिन में कल तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा सा लिख के दूंगी, टेंशन ना लो, अच्छे से लिख के दूंगी। ठीक है, चलो। उसके बाद है बच्चे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या देखा था कि एल्काइन को सिस एल्कीन में कैसे चेंज करते हैं, अब क्या है एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए ये वाला पॉपुलर रिएजेंट होता है बच्चे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अभी याद कर लो मेरे साथ बैठे बैठे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसको क्या कई बुक में क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसको लिखा हुआ है स्पेलिंग आई थिंक गलत, नहीं हाँ कई बुक में लिखा हुआ है बर्च रिडक्शन के नाम से। बेसिकली रिडक्शन है, इसमें भी रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें भी रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, गेन ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखना है तो देख सकते हो, मैं समझा देती हूँ इसका मैकेनिज्म, वैसे नीड नहीं है। क्या होता है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आपको देंगे लिखे हुए, या लिख सकते हैं बर्ज रिडक्शन, आपको कुछ नहीं करना। ट्रिपल बोन को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करना है। चलो इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये देखो अलग से दिखाती हूँ आपको, देखो ये है ठीक है। आपको अगर याद हो बच्चे तो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन में बताया था, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम इसमें रेडिकल मैकेनिज्म क्यों हुआ, तो मैंने बोला था अगर आपको मान लो किसी रिएक्शन में मेटल दे रखा हो, मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, तो वहां पे समझ जाना कौन सा मैकेनिज्म होगा। बच्चे बताओ, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, देखो एक पहले वाले टॉपिक में सेम चीज आई, अब सेम चीज आ रही, तो यही तो ऑर्गेनिक की खासियत है, चीजें रिपीट होती है, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो अब सोडियम है यानी कि रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है तो ब्रेक होगा, देखो मैं ऐसे ब्रेक करवा रही हूँ इसको, ठीक है इस तरह से ब्रेक करवा दिया। उसके बाद क्या, सोडियम, सोडियम क्या करता है बच्चे, कौन सा अंकित कौन सी इन्फो क्वाइट हेल्पफुल बोल रहा आप, मैम ठीक जो ये है रेडिकल मैकेनिज्म है ये जो हाँ मेटल्स के साथ, तो मतलब कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि कुछ मेटल्स के साथ ना करे? ना ना, आपको नॉर्मल जहां पे भी रेडिकल मैकेनिज्म होगा जनरली आपको सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं, ठीक है। अभी हमने दो केस ऐसे देख लिए हैं, अगर ऐसा कोई केस आएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है अंकित, ठीक है मैम। ओके। तो देखो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना लेगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज बना लेगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है सिस सिन ट्रांस एल्कीन कैसे बनता है, इसमें देखो बेटा जो आपका ये है नेगेटिव चार्ज, जिसको आप डोल उससे भी दिखा सकते हो लोन पेयर से, और जो ये रेडिकल है इसको आपको क्या करना है ट्रांस पोजिशन पे 180 डिग्री पे रखना है, क्यों, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट स्टेप था और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इसको आप नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हो, अब आपके सॉल्यूशन में क्या लिक्विड अमोनिया है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस लिक्विड से एच ले लेगा, ठीक है इस तरह से मैं दिखा देती हूँ, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस देखो मैं क्या करूँ क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है एच ले लेगा। अब जो ये रेडिकल था, अब सोडियम और भी प्रेजेंट है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा जो लिक्विड अमोनिया है इससे क्या ले लेगा एच ले लेगा, और क्या बना लेगा फाइनल सी आर डैश आर एच एच, तो क्या बन गया, लेके चले थे हम एल्काइन, हमें क्या मिल गया बच्चे ट्रांस एल्कीन बना, देख रहे हो सोडियम जो है देख लो सोडियम का क्या रोल है इसमें, इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्या किया हमने ट्रांस ज्योमेट्री बना दी, ताकि जो रेडिकल है और लोन पेयर उनमें क्या हो रिपल्शन कम हो, देख लो इसमें यही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। इंटरमीडिएट में रेडिकल बनेगा, कार्बनाइन बनेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है रेडिकल और लोन पेयर को उसको आपको एंटी पोजीशन पे रखना है, ताकि रिपल्शन क्या हो मिनिमम हो, ठीक है बच्चे, ओके। तो लर्न हो गया, लिनलार कैटलिस्ट क्या करता है एल्काइन को सिस एल्कीन में करता है। चलो हम टेस्ट भी देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म इन द एडिशन ऑफ H2 टू ब्यूट 2 आयन इन द प्रेजेंस ऑफ लिनलार कैटलिस्ट, बना लोगे जल्दी बताओ, हां जी बना लोगे क्या, यस मैम, ये क्या है ब्यूटा ब्यूट, एक सेकेंड मैंने ब्यूट 1-9 बना दिया, इस पे लगाओ CH3 CH3 राइट। अब आपको क्या लिनलार कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, इसको किसमें चेंज करेगा जल्दी बताओ, सिस एल्कीन में, इस तरह से। बच्चे जो लेट आ रहे हो प्लीज थोड़ी जल्दी आओ, है ना थोड़ी जल्दी आओ, सोडियम में लिक्विड अमोनिया क्या करेगा इसको बताओ किसमें चेंज करेगा, अगर बर्ज रिडक्शन भी दे रखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, वो यही है ठीक है, इसमें ट्रांस होगा और उसमें सिस होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे कि हम एल्कीन, अभी हमने किससे देखा एल्काइन से कैसे एल्कीन बना सकते हैं, उसके लिए दो मेथड थे, उसके बाद हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें बच्चे जो फर्स्ट स्टेप है आराम से करेंगे, मजे से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चे इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है इस रिएक्शन का नाम क्या है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। वर्ड को पकड़ो, डी का मतलब क्या है बच्चे, रिमूवल, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन, हेलोजन वर्ड को पकड़ लिया, वर्ड को पकड़ लिया ना। अब देखो क्या होगा, आपको क्या करना है ध्यान देना। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में हीटिंग दे दी जाए, हीटिंग दे दी जाए तो पक्का समझ लेना वहां पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली। अगर मान लो हीटिंग नहीं दे रखी, हीटिंग नहीं दे रखी तो वहां पे देख लेना बेस क्या दे रखा। अगर बेस आपका स्ट्रोंग है, जैसे एल्कोहलिक ओएच जो है, अगर इसमें हीटिंग भी ना दे रखे होते तो भी हम एल्यूमिनेशन कराते, क्योंकि एल्कोहलिक ओएच का मतलब क्या है बच्चे, जो ये ओएच नेगेटिव जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है उसमें पानी कम है, ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है बच्चे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, एल्यूमिनेशन रिएक्शन करेगा। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो मैम और कोई भी एग्जाम्पल है क्या, तो हाँ आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो एल्कोहलिक ओएच ये एलिमिनेशन कराएगा, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन आपके जो 12th क्लास के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक होता है बच्चे टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, ये भी स्ट्रोंग बेस है, ठीक है। एक होता है एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, उसका नाम याद नहीं करना, एलडीए। देखो दो चीजें होती है बच्चे, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है या लिखा हो स्ट्रोंग बेस है तो डेफिनेटली एलिमिनेशन कराएगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अगर मान लो आपका बेस बल्की है, बल्की मतलब समझते हो क्या, अगर वो बड़ा है काफी ज्यादा बेस बल्की है तो वो डेफिनेटली क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। तो इन तीनों को तो ध्यान रख ही लो, ठीक है, ओके। तो अब देखो होगा क्या, आपको क्या करना है, ये अल्फा पोजीशन है क्योंकि ये हेलोजन है, हेलोजन के साथ वाली कार्बन अल्फा पोजीशन है और उसके साथ वाली बीटा है। तो ध्यान रखना अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है और एल्कीन बनाना है तो वहां पे बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको कई बार बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं और एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका हेलोजन है और जो एच एटम है वो क्या होने चाहिए, एंटी पोजिशन पे होने चाहिए, 180 डिग्री के उस पे होने चाहिए प्लेन में, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे और मैकेनिज्म में बेस है, मैंने आपको बताया था कि बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, बताया था हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस मैम। बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। अब देखो हेलोजन भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपने सुन रखा है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा ध्यान से देखो, हेलोजन बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जैसे ही OH नेगेटिव ने H को लेके पानी बनाया, जैसे ही बाहर निकला इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बना, नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्लस माइनस एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बताओ बोला था कि नहीं बोला था? यस मैम बोला था। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, H और हेलोजन एक साइड मतलब एक ही साथ निकल रहे हैं, ये प्लस माइनस हम चार्ज नहीं दिखाते हैं एक्चुअल में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया मैंने। एक्चुअल में क्या है, एच और एक्स जो है एक साथ साइमल्टेनियसली निकलते हैं और हमें क्या मिलता है बच्चे, एल्कीन मिलता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आपको अलग पेज पे समझाऊं क्या या इसमें आ गया समझ? हम समझ आ गया। ओके मुझे बता देना अलग पेज पे समझाना हो तो, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, बेस आया हाइड्रोजन को चुरा के ले गया, कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन हुई, और मैंने आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, अगर नहीं बताया था तो अभी सुन लो, ठीक है, क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे एक्वस ओएच लिखा होता, एक्वस ओएच, तो भैया यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करवा पाते, अब क्या है सोल्यूशन डायल्यूट हो चुका है, तो वो क्या करता, सीधा हेलोजन को हटा के खुद आके चिपक जाता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, अगर हीटिंग दे रखी होगी तो डेफिनेटली एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अगर नहीं दे रखा तो आपको बेस को देखना है कि आपका बेस कैसा है, ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई मिल सकता है। चलो उसके बाद है बच्चे, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, ये देखो इसमें क्या है, CH2CHCl, एक सेकेंड मैं पूरा हटा देती हूँ। देखो एल्कोहलिक ओएच है तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो आप बच्चे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखो सीएल बाहर जाएगा और ये एच जो है यहाँ पे जाएगा, कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्फा पोजिशन या बीटा पोजिशन, ऐसे ही सेम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों साइड से निकालो, दोनों साइड से यही प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम आ गई। उसके बाद बच्चे देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाती हूँ, ये देखो अब इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये हेलोजन निकले ये वाला आ जाए, है ना, एक क्या हो सकता है,
कि ये वाला हेलोजन निकले, मतलब सॉरी ये वाला हाइड्रोजन निकले और ये आ जाए, तो एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो देखो एक बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, एक क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू। देख पा रहे हो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, हाँ या ना? देख पा रहे हो? अब इसमें से बच्चे आपको देखना है मेजर और माइनर कौन सा है, क्योंकि जब एल्कीन की फॉर्मेशन होती है तो आपको देखना है मेजर कौन सा और माइनर कौन सा है। तो आप ये आप किसके बेसिस पे बताते हो बच्चे? सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बताते हो। सुना है ना सेट्जेफ रूल? सेट्जेफ रूल क्या कहता है, सुना है कि नहीं बताओ? नो मैम। अच्छा नहीं सुना, चलो मैं बता देती हूँ बच्चे। सेट्जेफ रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा आपका एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा आपका एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड होने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो मैं बताती हूँ आपको। और ये देखो, देख यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चे, इसको पकड़ो, ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, उसके साथ वाला कार्बन देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन है, दो, कितने हैं, दो। यहाँ पे देखो कितने इन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे थ्री, और यहाँ पे भी कितने हैं, थ्री, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस मैम। तो इसमें हम ऐसे बोलते हैं बच्चे कि ये थ्री अल्फा एच है और ये भी थ्री अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल है सिक्स अल्फा एच। तो हाइपर कंजुकेशन आपने सुना होगा, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं उतने ही ज्यादा क्या बनते हैं बच्चे, हाइपर कंजुकेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम जीओसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर नंबर ऑफ अल्फा एच कम होते हैं तो हाइपर कंजुकेशन स्ट्रक्चर भी कम बनते हैं और उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही है, आपको अल्फा देखना है बस, कितने हैं, दो ही है, तो इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें छह बनेंगे। तो बताओ फिर कौन सा वाला मेजर हुआ, नीचे वाला हुआ कि नहीं हो रहा, बताओ? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे वो क्या होंगे, मेजर होंगे। उसके बाद देखो बीटा एलिमिनेशन के कुछ हाइलाइट्स हैं। देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले बच्चे की हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही स्टेप में निकलेंगे, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ठीक है, दोनों एक ही स्टेप में निकल रहे हैं। अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो बच्चे उसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, मतलब आपने सुना होगा जहां पे भी कार्बोकैटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जब कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं बन होगी। उसके बाद बच्चे ऑर्डर क्या रहने वाला है, ऑर्डर रहने वाला है टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड जो है वो फटैक से रिएक्शन कर देगा, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी। ये क्यों बोला मैंने टर्शरी वाला, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, फिर आपका जो ये प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा, राइट, मतलब आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, इसलिए बोला है टर्शरी वाला जो है एल्काइल हैलाइड, एक सेकेंड, टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड जो है जल्दी रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम। ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे चलो। अब बात आती है अल्कोहल से कम कैसे हम एल्कीन्स बना सकते हैं, तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें आता है आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन, बच्चे ध्यान से सुन लो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का बाहर निकलना, लॉस ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है CO2 का बाहर निकलना होता है, वैसे ही डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एसिडिक का मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, हीटिंग दे रखी है, हीटिंग तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन हो रही है, बताओ, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, वेरी गुड। इसमें जो रिएजेंट होते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है, बेसिकली ये क्या है, वैसे तो आप इनको एसिड के नाम से जानते हो, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। जब हमें पानी को निकालना होता है किसी रिएक्शन में तो जनरली हम ये दोनों यूज करते हैं, वैसे तो और भी हैं, लेकिन P2O5 होता है, ठीक है, P4O6 होता है, इस पे मत जाना, ये अभी ये दोनों ही याद रखो, ये दोनों क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी को निकालने में काम आते हैं। अब देखो पानी कैसे निकलता है, ध्यान से सुनो, एसिड है, एसिड क्या करता है, पानी में H+ देता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर एसिड पानी में H+ देता है तो ऑक्सीजन के पास क्या है भैया, लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के पास, तो वो क्या करेगा, फटैक से झपटा मारेगा H+ के पास, देखो मार लिया उसने झपटा, अब क्या हुआ, वो OH जो था अब क्या बन चुका है, वो पानी बन चुका है, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर दिए, जो कोई देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आपको पता है।
अब क्या हुआ बच्चे, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो पहले OH था वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। अगर आपको उसको रिएक्शन से बाहर निकालना है तो आपको पानी बना के ही उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे पानी बना है तो ये बाहर निकलेगा। आपने अगर सुना हो, अगर किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज आ जाता है, सपोज पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसलिए बॉन्ड को क्या करना पड़ा, ऐसे ब्रेक करना पड़ा। और जैसे ही बच्चे आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये चीज आई आपके दिमाग में कि डिहाइड्रेशन के केस में कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक ही स्टेप में आपका हाइड्रोजन भी निकल रहा था और हेलोजन भी निकल रहा था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है और जो है कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चे तो यहाँ पे क्या होने वाली है, रीअरेंजमेंट होती है। अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी रीअरेंजमेंट वाला, कैसे मैं बोलूं। उसके बाद देखो बच्चे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना है, उसके बाद जो ये HSO4 नेगेटिव बना है, वैसे ये याद रखना है या ना रखो, बस जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना इस H को यहाँ पे शिफ्ट कराओ और एल्कीन बना दो, बस खत्म। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन में भी क्या हो रहा है, एल्कीन ही बन रहा है, लेकिन इसमें बस क्या डिफरेंस है एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन में, इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अगर मान लो डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आता है बच्चे, तो आप क्या करोगे, पानी निकाल के जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा आपको चेक करना है वो कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं है। अगर वो टर्शरी है तो उसको ऐसे ही रहने दो, सेकेंडरी है या प्राइमरी है तो उसमें क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट का मतलब समझते हो आप, मान लो कोई आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको रिएक्शन में देखना है क्या टर्शरी वाला भी बन सकता है क्या। अगर मान लो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो आप देखोगे क्या सेकेंडरी वाला भी बन सकता है क्या, अगर बन सकता है तो आप बनाओगे। तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें भी जो एल्कीन बनता है वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ही बनता है, और जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वही क्या होगा बच्चे, मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये देखो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बच्चे यहाँ पे, देखो CH3 CH2 OH। अब क्या है यहाँ पे, समझ जाओ, हीटिंग है, एसिड है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने वाली है, और एलिमिनेशन रिएक्शन होके क्या मिलेगा, एल्कीन बनेगा। तो देखो पहले तो पानी बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकाल दो, बीटा पोजीशन पे एच होना चाहिए, अल्फा बीटा, तो ये क्या करेगा, बीटा यहाँ जाएगा, एच यहाँ पे ऐसे माइग्रेट करेगा और पानी क्या निकलेगा, बाहर। तो क्या मिल जाएगा आपको, यही मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सेम, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, पानी को बाहर निकालो, पानी को बाहर निकालो और एच को यहाँ घुमाओ, मर्जी है, ये वाले एच को घुमाना है, ये वाले एच को घुमाना है, आपकी मर्जी है। क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे आओ, इसमें क्या है बच्चे, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। अब देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, तो इसके पास अब दो पॉसिबिलिटी है, दो तरह के से एल्कीन बनेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से दो तरीके से बनेंगे एल्कीन, ये देखो यहाँ बना रही हूं मैं, एक तो यहां से पानी जैसे ही बाहर निकलेगा ये वाला बनेगा CH2, ये बनेगा, एक क्या बनेगा, यहां लिख रही हूं CH3 OH H, इस CH2 को मैं ऐसे लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। एसिड है, H प्लस देगा, पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे ही पानी निकलेगा बाहर, ये H यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करा रहे हो, बीटा एलिमिनेशन करा रहे हो। तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप खुद देखो, ये वाला मेजर था या ये वाला मेजर था, यहाँ पे देखो एक कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, तीन तीन, बताओ छह वाला। तो ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, जल्दी बताओ, माइनर। माइनर किसके बेसिस पे बताया है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको बताया है। क्लियर है बेटा, कुछ मुश्किल था इसमें, क्लियर है, ओके। अब इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगी रीअरेंजमेंट कैसे होती है। देखो अब आप मुझे क्या बोलोगे, मैम यहाँ पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब यहाँ से पानी निकलने वाला है। अगर पानी निकलेगा बच्चे तो आप कैसे निकालोगे पानी, यहाँ से पानी निकाल के इस पे क्या बन जाएगा, CH2 पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, बोलो हाँ के ना, हाँ के ना।
अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, पहले तो ये देखो, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो कौन सा कार्बोकैटायन है ये? प्राइमरी। प्राइमरी। अब आपको रिएक्शन में ये देखना है क्या इससे भी स्टेबल बन सकता है क्या, तो ध्यान से देखो बन सकता है क्या, अगर मान लो बन सकता है, देखो बच्चे अगर मान लो मैं इस H को यहाँ माइग्रेट करा दूं, इसको क्या बोलते हैं 1-2 hydride शिफ्ट, किसी ने नाम सुना होगा तो, मिथाइल शिफ्ट भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बच्चे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है उसका ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन को ही आप माइग्रेट कराओगे, ठीक है। एक होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब कौन जल्दी माइग्रेट करेगा, तो CH का सबसे ज्यादा होता है CH3 से, तो आप H को माइग्रेट कराओगे, देखो क्या बनेगा फिर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब CH3 यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा। बोलो अब ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 1-2-3 तीन कार्बन से अटैच है, बताओ कौन सा बन गया? टर्शियरी। बन गया ना स्टेबल, इसलिए बोलते हैं जहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनता है एक बार चेक कर लो कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है या नहीं होती है। एच को शिफ्ट करा लो, मान लो एच नहीं है तो मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा के देखो, अब क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना आपका एल्कीन बन जाएगा, तो देखो क्या बना, ये बन गया, देख पा रहे हो कितना ज्यादा स्टेबल बना है हमारे पास, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6, 9 और 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, यही होगा। म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट। सेकेंडरी कहाँ से बनाओगे इसमें बच्चे, प्राइमरी, और यही बन रहा है टर्शरी वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इस तरह से बनाया गया मॉलिक्यूल को। अरे हाँ म्यूट कर लो, ये किसने अपने आप को वो कर रखा है, ओके ये क्लियर हुआ बच्चे, आगे पढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस मैम। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, जैसे हमने एल्केन्स में देखा था बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे बच्चे, मॉलिकुलर मास चेक करेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे मॉलिकुलर मास को, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी में एल्कीन के बॉइलिंग पॉइंट से, अगर मान लो मॉलिकुलर मास सेम होगा देन आप क्या देखेंगे, सरफेस एरिया को देखेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा, क्लियर है, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। पहले आप क्या चेक करेंगे बच्चे, मॉलिकुलर मास चेक करेंगे, अगर मॉलिकुलर मास सेम है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन आप क्या चेक करेंगे, सरफेस एरिया चेक करेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम, क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम। उसके बाद बच्चे एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैं आपको सिखाती हूँ एडिशन ऑफ हैलोजन्स, मतलब आपके पास जो है ना एल्कीन दे रखा है, एल्कीन इस टाइप से दे रखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसमें क्या डाल रखा है, आपको कोई भी हैलोजन दे रखो, चाहे क्लोरीन दे रखो, कुछ भी हो वाटर की प्रेजेंस में, तो उसमें जो है वो ये बनता है। पहले आप मैकेनिज्म देख लो, अगर मैकेनिज्म समझ में नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, ट्रिक बताऊंगी। तो देखो बच्चे एक्चुअल में होता क्या है, जो ब्रोमीन होता है ना, वैसे तो नॉन पोलर होता है, आप पढ़ते हो नॉन पोलर, लेकिन क्या होता है जब एल्कीन जो है ब्रोमीन के पास आता है, एल्कीन जब ब्रोमीन के पास आता है तो वो क्या करता है, जो एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना और जो ब्रोमीन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, मतलब एक शॉर्ट स्पैन के लिए हम क्या मानते हैं कि एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई है, और जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे क्या कौन सा कंसेप्ट आता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का, आपने सुना होगा वंडर वर्ल्ड फोर्सेस में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल सुना है क्या? यस मैम। सुना है, तो आपको सिर्फ कुछ याद नहीं रखना बच्चे, बस ये ध्यान रखना है कि एल्कीन की प्रेजेंस में जो ब्रोमीन होता है वो कैसे हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए पोलर हो जाता है, और जैसे ही पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से आप इसको दिखा सकते हो, जैसे ही पोलर होता है फटैक से एल्कीन जो है रिएक्ट करता है इस साइड, ऐसे मान लो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, या नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, आपको पता है जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आया नेगेटिव इसके पास जाएगा, तो इस तरह से बच्चे कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से जैसे मैंने बना रखा है साइक्लिक हेलोनोमियन हेलोनियम आयन बनता है, कभी देखा है इसको बनते हुए, बताओ? नो मैम। अच्छा आज देख लो, ठीक है, इस तरह से 3-membered ring बन जाती है, कोई नहीं हम सबको डिस्कस करेंगे, ऐसे 3-membered ring बन जाती है। अब मैंने बोला बच्चे यहाँ आ चुका है पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन
ब्रोमीन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब मैंने आपको बोला था अगर ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो हमें क्या करना है, उसके चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करवाना है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जहां पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव भेज के उसको खत्म करना है। तो देखो बच्चे, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो या बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो। समझ पा रहे हो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। और ध्यान रखना बच्चे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ कि जो जहां पे भी थ्री मेंबर रिंग बन जाती है, ध्यान से सुन लो, जैसे ये थ्री मेंबर रिंग बनी हुई है 1 2 3, वहां पे रिंग पक्का के पक्का ओपन होती ही होती है, क्योंकि थ्री मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये सारा जीओसी में पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी नई चीज है इसलिए सुन लो। जहां पे भी थ्री मेंबर रिंग बनेगी समझ जाना वो कहीं ना कहीं जाके खुलेगी ही खुलेगी। तो देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ से खोल सकते हो, एक यहाँ से। अब देखो अगर आपने बी साइड से ओपन किया तो क्या होगा, CH3CH यहाँ से ओपन किया, CH के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो ये बी आर है CH2 के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या है, अगर आप एक ही साइड से खोलते हो तो CH के साथ बी आर आ जाएगा और CH2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस मैम। अगर मान लो, अब आप खुद देखो कि इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला। देखो ये वाला कैसा सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें दो कार्बन से अटैच है, जबकि इसमें क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है, प्राइमरी। तो अगर सेकेंडरी वाला बच्चे ज्यादा स्टेबल है तो मेजर कौन सा है बनेगा, सेकेंडरी वाला बनेगा। क्योंकि पानी मिलाया था आपने, वो पानी जाके एड करवा देना और आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो मैकेनिज्म नहीं समझ में आया तो इसकी ट्रिक देखेंगे अभी हम, आप ट्रिक आप बता सकते हो, मार्कोनिकोव्स रूल सुना है ना, मार्कोनिकोव्स रूल, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। क्या करता है मार्कोनिकोव्स रूल, क्या बोलता है, जैसे देखो एक तो आपके पास बी आर है और एक OH है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में बी आर और OH मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना है। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ब्रोमिन की, ऑक्सीजन की है तो मैं इसको ऐसे लिखा दूं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से। तो मार्कोनिकोव्स रूल बच्चे क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहाँ पे जाके अटैक करता है, कहाँ पे जाके अटैच होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं अगर ये याद नहीं रहता, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, है ना, मैंने इतनी मेहनत से लिख के आई हूँ। बस ये ध्यान रखना थ्री मेंबर रिंग बनती है वो कहीं ना कहीं जाके ओपन होती है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो दोनों को जब आप खोल के लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर है बच्चे हाँ या ना। यस मैम। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, इसकी आयुपैक नेमिंग भी कर लोगे ना। यस मैम। ओके। उसके बाद है बच्चे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, मान लो आपको कोई सैंपल दे रखा है, आपको कोई सैंपल दे रखा है और मैं आपको कह रही हूँ कि बेटा जाके टेस्ट करके आ कि इस कंपाउंड में जो मैंने आपको सैंपल दिया है उसमें बताना है तुम्हें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, मैं आपको पूछ बोल रही हूँ कि टेस्ट करके आओ और पता करके आओ कि इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं। तो इसके लिए बच्चे कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, याद रखेंगे कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। कैसा कलर का होता है, ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है, लैब में ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है। तो आप क्या करते हो बच्चे, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में अपना सैंपल लेते हो, सैंपल लेते हो और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के सोल्यूशन बना लेते हो, ऊपर से क्या करते हो एक ड्रॉप इसकी डालोगे, एक दो ड्रॉप डालोगे ब्रोमीन वाटर की। अगर मान लो जो ब्राउन ऑरेंज कलर था ब्रोमीन वाटर का, अगर मान लो इस सैंपल में डालने के बाद वो कलरलेस हो जाता है, क्या हो जाता है, कलरलेस। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, अगर वो कलरलेस हो जाता है तो इट मीन्स वहां पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। क्या है, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, हाँ या ना बोलो। एक बार फिर बता देती हूँ, मान लो मैंने आपको सैंपल दिया है, आपने उसको पानी में मिला लिया, उसका सोल्यूशन बना लिया, अब आप ऊपर से क्या डालो, एक दो ड्रॉप डालो ब्रोमीन वाटर की जो कि ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है। जैसे आप उसमें डालोगे ड्रॉप वाइज डालोगे तो उस अगर सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है तो समझ जाना वहां पे अनसेचुरेशन है। इसके एग्जाम्पल देखो कैसे होता है, देखो मान लो सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा, ऐसा कुछ बनाया, एक
और मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ इन दोनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड में से कौन सा जो है Br2 के साथ रिएक्ट करके, Br2 पानी के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने आपको दो कंपाउंड दे दिए, आपको बताना है अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर के साथ तो बताओ कौन सा कंपाउंड जो है कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस होने का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, मतलब उस कंपाउंड में क्या होगी, अनसेचुरेशन होगी। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होगा बताओ, बताओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी कि आपको क्या चेक करना है, इन दोनों में से डबल बॉन्ड किस में आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, कलरलेस। अब मतलब आपको एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन के लिए बच्चे क्या जरूरी है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये कैसी पोजीशन है, अल्फा हेलोजन के साथ वाली, और ये वाली क्या है, बीटा। इस पे क्या लगे हुए हैं, दो एच लगे हुए हैं, तो ये तो इजिली एल्कीन बना लेगा। यहाँ पे आओ, ये क्या है, अल्फा। बीटा पे कोई एच नहीं है, अगर कोई एच नहीं है तो ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन देगा क्या, हाँ या ना? नो मैम, नहीं, ये एल्कीन नहीं बनाएगा। तो अगर नहीं बनाएगा तो जब आप इसको ब्रोमीन वाटर इसके इसमें डालोगे तो ये एज इट इज उसका ब्राउन ऑरेंज कलर ही रहेगा, वो कलरलेस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ये होगा। बताओ समझ में आई, ये वाला कंसेप्ट बढ़िया लगा। yes, ma'am. कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आया तो जी, वेरी गुड। उसके बाद है ये वाला, ये रहने दो, ये रहने दो। हाँ, उसके बाद है बच्चे, अगर यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अब मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स। देखो क्या है, मार्कोनिकोव्स में आपको सिंपल पता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो कहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्या होते हैं बताओ, हाइड्रोजन। तो अगर मैं मान लू इसको, जो ये आपके पास एल्कीन है, इसमें मैं HBr डाल दूं, जनरली क्या है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लेते हो आप इसमें, इसमें आप एसिड भी ले सकते हो, दिखाऊंगी अभी। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, यानी कि ये वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाते हो सागर, क्या हुआ बच्चे, पुअर क्या, CH2, अगर CH2 पे लगाते हो तो ये, तो जो ये आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो मार्कोनिकोव्स में ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट जो है कहाँ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। एक्चुअल में हो क्या होता है, मार्कोनिकोव्स तो एक रूल है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या बन रहे होते हैं बच्चे, कार्बोकेटाइन्स बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं बताओ, कार्बोकेटाइन बन रहे होते हैं। तो देखो बच्चे, आपके पास ना दो ऑप्शन है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसमें अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये देखो CH3 है, CH है, CH2 है, अब HBr है, Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो देखो दो साइड से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, या तो इस साइड से करो, क्योंकि पता है ना पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, या इस साइड से। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक बार तो क्या आएगा CH3, CH पे पॉजिटिव आएगा और CH2 पे नेगेटिव आएगा, जो कि H लेके CH3 बना लेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 CH2, CH2 पे पॉजिटिव आए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कौन से वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसलिए जो ये नेगेटिव वाला चार्ज है। अब इस पे पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव को फटैक से खींचेगा, तो इसने जैसे ही खींचा यहाँ पे Br लग गया। तो इस सबका एक निचोड़ क्या है, इस सबका रिजल्ट क्या है कि मार्कोनिकोव्स का एक रूल बना दिया गया, ताकि आप बार बार कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करके मत देखो, एक रूल बना दिया गया कि नेगेटिव पार्ट वाला रिएजेंट वहां लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड टू डेट कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो मैंने बताया। उसके बाद बच्चे आता है एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोलो मार्कोनिकोव्स और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है बच्चे, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट ध्यान रखना है, मतलब इसमें हम परऑक्साइड लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था पहली वाली क्लास में, अगर आपको रेडिकल मैकेनिज्म करना है, या तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, या अब एक और चीज ऐड कर रही हूँ, अगर मान लो आपको सनलाइट नहीं दे रखी या हाई टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटर लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका रेडिकल बन जाए, ठीक है। तो इसमें जनरली हम क्या लेते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड में बच्चे ऐसे टाइप की लिंकेज होती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस टाइप से लिंकेज होती है, ठीक है, ओके। तो एंटी मार्कोनिकोव्स क्या कहता है बच्चे, कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, जैसे मान लो HBr है,
अगर नेगेटिव पार्ट है तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे बताओ, ज्यादा बिल्कुल उसका अपोजिट। एक चीज और ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन या मैं बोलूं परऑक्साइड इफेक्ट तभी लगेगा अगर आपके पास रिएक्शन में HBr हो और लिखा हो पर ऑक्साइड, तभी आप एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ HBr लिखा होगा तो मार्कोनिकोव्स लगाएंगे। अगर मान लो HCl, HI या HF भी लिखा हो और पर ऑक्साइड भी लिखा हो तब भी वहां पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगाएंगे। सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आप कहां लगाएंगे, अगर HBr दे रखा है वहां लगाएंगे और साथ में पर ऑक्साइड दे रखा है वहां लगाएंगे। क्लियर है हाँ या ना? Yes, ma'am. तो इसका मैकेनिज्म देख लो, रेडिकल की फॉर्म में रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं इनमें होता है रिपल्शन, तो क्या होता है इजिली ये बॉन्ड क्या होता है क्लीव हो जाता है। तो देखो इस तरह से रेडिकल बन जाते हैं, इस तरह से देखो इस तरह से रेडिकल बन जाते हैं और यहाँ से क्या होता है CO2 बाहर निकल जाती है। बस जस्ट देख लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। CO2 जैसे ही बाहर निकलता है तो ये बन जाता है C6H5 का रेडिकल। और जैसे ही यहाँ रेडिकल बनता है और जो HBr है वो फर्दर रेडिकल में टूटता है H रेडिकल Br रेडिकल, तो ये क्या करता है C6H6 बना लेता है बेंजीन जिसको बोलते हो और Br रेडिकल बाहर निकल जाता है। अब यही Br रेडिकल जो है आपके आपके एल्कीन में लगता है। देखो कैसे लगता है मैं आपको बता दे रही हूँ, ये देखो इधर देखो, ये देखो यहाँ नीचे समझाती हूँ आपको ताकि समझ में आए, ध्यान से देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इससे हमें क्या मिला है Br रेडिकल मिला, और कुछ भी ध्यान ना रखना बेशक। जो ये आपने इनी परऑक्साइड लिया है इससे आपको क्या मिला है Br रेडिकल मिला है, और कुछ भी ध्यान मत रखना। तो देखो इसमें क्या होगा, होमोलिसिस का मतलब बच्चे इस तरह से हाफ हेडेड एरो से आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना, इस तरह से देखो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या है पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे कि एक तो सी एच रेडिकल बने और इसके पास क्या लग जाए जो रेडिकल यहाँ पे बनेगा वो बी आर ले लेगा, एक तो ये बनेगा। सेकंड क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी कि आर सी एच टू बी आर लग जाएगा इसके साथ और एक क्या लग जाएगा ये रेडिकल। समझ रहे हो, एक बार आप रेडिकल यहाँ बना रहे हो इस वाले कार्बन पे और एक बार आप रेडिकल कहाँ बना रहे हो बच्चे यहाँ पे, तो आप खुद बताओ कौन से वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? मैम बी वाला, बी वाला होगा। ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पे एक ये वाला रेडिकल कैसे स्टेबल होगा, ये वाला रेडिकल एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी होगा। ये वाला कार्बन देखो इससे भी अटैच है और ये भी तो कार्बन ही है एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या होगा सेकेंडरी रेडिकल होगा। अब बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है ओके, तो ये जो सी एच रेडिकल बना है वो क्या ले लेगा, जो एच बी आर का एच रेडिकल निकला था वो ये लेके ये बना लेगा। तो आप देख पा रहे हो एंटी मार्कोनिकोव्स में जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो एच बी आर का ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट का मतलब क्योंकि ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए मैंने क्या बोला पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे ज्यादा होंगे। क्लियर है दोनों रूल, मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव्स में कार्बोकेटाइन बनता है, एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या बनता है बच्चे बताओ, बताओ क्या बनता है, क्या बनता है फ्री रेडिकल्स। हाँ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो जाते हो, डाउट होता है क्या ठीक बोल रहे हैं गलत, गलत बोलोगे तो मैं ठीक कर दूंगी ना बच्चे उसको। उसके बाद है बच्चे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मतलब ज्यादा तो कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी, क्योंकि हम क्या करते हैं बार बार यही बोलते हैं कि अगर हमारे पास एच बी आर है और परऑक्साइड लिखा हुआ है तभी हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल मिलता है, अगर हम एच सी एल यूज करते हैं, एच एफ यूज करते हैं और एच आई यूज करते हैं तो आपको परऑक्साइड इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता। क्यों नहीं होता, इधर देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने भी बुक में से ये चिपकाया है यहाँ। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चे तो जो ये दो स्टेप होते हैं परऑक्साइड में, एक तो वो होता है जहां पे रेडिकल बनता है हैलोजन का, ठीक है, दूसरे में क्या होता है इस तरह से वो आके लगता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें क्या देखा गया बच्चे, जो फ्लोरिन है और जो क्लोरिन है और जो आयोडीन है, जब ये दो स्टेप होते हैं इनमें से किसी एक स्टेप में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली मिला हमें कि फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन में क्या होता है, जैसे देखो फ्लोरीन में सेकंड स्टेप में डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। क्लोरीन में क्या है, ये वाला स्टेप क्या है पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब हीट देनी पड़ रही है।
आयोडीन में क्या है, पहले वाला स्टेप में डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब आपको हीट देनी पड़ रही है। जब आपको हीट देनी पड़ती है तो भैया वो फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर किसी में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो वाला उसको यूज करके हम प्रोडक्ट ना बनाएं। लेकिन एक ब्रोमीन एक लोता ऐसा है बच्चे, देखो जिसमें दोनों ही स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए जो है हम HBR को यूज करते हैं एंटी मार्कोनिकोस रूल के लिए। तो अगर कोई पूछ ले कि HF, HCl और HI क्यों यूज नहीं करते हैं परोक्साइड में, तो आप बोलोगे क्योंकि इनमें से एक स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बताओ कर लोगे हाँ या ना? ये फर्स्ट टाइम सुना होगा आपने आई थिंक, बताओ फर्स्ट टाइम सुना ये वाला? वेरी गुड, फर्स्ट टाइम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, काम आएगा। ठीक है, उसके बाद है ये तो सिंपल है बच्चे, देखो इसमें भी मार्कोनिकोव्स रूल ही लगेगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो इसमें क्या है, ये एल्कीन दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, पानी दे रखा है। पानी हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी, और एसिड कैटेलाइज का मतलब क्या है, एसिड। तो बताओ इसमें से पार्शियल नेगेटिव कौन होगा और पार्शियल पॉजिटिव कौन होगा, बताओ? मैम OH पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव। वेरी गुड, अब आप बताओ OH कहाँ लगेगा मार्कोनिकोव्स एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो वैसे सिमेट्रिकल है, आप मर्जी है, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, तो आपको ये मिल जाएगा ट्यूब ब्यूटेनॉल। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ पे OH ग्रुप होगा इस तरह से। ठीक है, ब्यूटेन टूओल बोल दो या ट्यूब ब्यूटेनॉल बोल दो। अब यहाँ पे आओ, प्रोपीन है, प्रोपीन है, अब ये क्या अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे देखो HOH है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या है, कम है, कम होगा जाएगा, और H जो है इसके पास चला जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ओल होगा। क्लियर है बच्चे? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करोगे आप, देखो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ। देखो इसमें क्या है, आप इसमें मुझे बताना बेटा, एक सेकेंड, इसमें बताना ये है ऐसे, आप मुझे बताना कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, पानी होगा, पानी होगा, एसिड है और पानी है, मतलब एच और ओ एच लगने वाला है आपके प्रोडक्ट में। किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताना बच्चे, ओ एच मैं ए पोजीशन पे लगाऊं या बी पोजीशन पे लगाऊं, जल्दी बताओ। ए पोजीशन पे, सोच लो। कार्बोकेटाइन बना के दिखा, देख लो, पता चल जाएगा। कार्बोकेटाइन बनाना, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना, एक इस साइड से करो, एक इस साइड से करो, अपने आप पता चल जाएगा। अब बताओ मुझे किस पे बनेगा, एक तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन और एक क्या बनेगा, ये बनेगा। बताओ कौन से वाला स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? मैम बी वाला, क्योंकि क्या है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या है, ये वाला कार्बोकेटाइन दो कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है। जब फर्स्ट जाओ ना एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिकोव में, तो कृपया करके कार्बोकेटाइन बना के देख लेना, बॉन्ड को दोनों साइड ब्रेक करना कि किस साइड जो है स्टेबल बनेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, कि मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा रही हूँ तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, कहीं ऐसा हो यही समझ में ना, जहाँ पे एरो ये दिखाते हैं एरो, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा, जो ये पीछे की साइड का, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा हेड की साइड। ठीक है, सॉरी टेल की साइड। ठीक है बेटा, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। उसके बाद है बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, इतना सिंपल है ना और इतना इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे। देखो इसमें क्या करना है, या तो आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके क्वेश्चन में एल्कीन का क्वेश्चन है और एरो पर ये वाला रिएजेंट डाल रखा है पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ध्यान से सुन लो, एसिडिक मीडियम अगर डाल रखा है, बेसिक नहीं एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है बच्चे, आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना, इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने खुद मास्टर्स लेवल में आके इसका मैकेनिज्म किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा था सिलेबस में, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है ट्वेल्थ में। इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये एल्कीन होता है, अगर आप उसमें ये डाल दोगे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ध्यान रखना OH नेगेटिव होगा, फिर नहीं होगा सिस्टम, फिर कुछ और बनेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटाओ, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, और एक ऑक्सीजन इस वाले को दे दो और एक ऑक्सीजन इस वाले को दे दो। देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये देखो
आप इसमें क्या डाल रहे हो कि MnO4 डालो, आपको क्या करना है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, और आपको क्या करना है पेन चेंज कर लेती हूँ, एक ऑक्सीजन इस वाले को देना है और एक ऑक्सीजन किसको देना है, इस वाले को देना है। बताओ मुश्किल था? नो मैम। इसका नाम क्या होता है बच्चे? इथेनल। क्या होता है? इथेनल। क्योंकि दो कार्बन है ना, और क्या बन रहा है आपका? एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये भी क्या है? इथेनल है। ठीक है, अच्छा जी एक मेरी बात और ध्यान से सुनना, अगर KMnO4 दे रखा है एसिडिक मीडियम में और आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है, आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि एल्डिहाइड को ऐसे जीतता नहीं, मतलब ऐसे नहीं छोड़ेगा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, CH3COH बन जाएगा, और इसमें भी क्या बन जाएगा? CH3COH बन जाएगा। ध्यान से सुन लो, पहले अगर आपने डबल बॉन्ड को क्लीव किया और आपको दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दी, अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो एसिडिक मीडियम में इतना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। अब आप कहोगे मैम अगर कीटोन मिले, तो कीटोन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको फर्दर जो है एसिड में चेंज कर दे, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इसलिए ये इसको क्या कर देता है? एसिड में चेंज कर देता है, कीटोन को ये एज इट इज वैसे का वैसे रखता है। देखो यहाँ पे देखो 2-methylpropene दे रखा है, 2-methylpropene, डबल बॉन्ड को हटाओ क्या लगेगा? एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दो इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड, चलो मैं इसको बना के दिखाती हूँ इसको भी, ये है। क्या करोगे? डबल बॉन्ड को हटाओ, क्या बनेगा बच्चे? देखो एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दो और एक क्या लगा दो? यहाँ पे लगा दो, समझ रहे हो ना? राइट लेफ्ट दोनों साइड लगाना है, समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ये क्या है बच्चे? कीटोन है। क्या है बताओ? कीटोन। और ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, HCHO, इसका नाम होता है बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अभी से चीजें लर्न करनी शुरू कर दो अगर नहीं लग रही है तो अब देखो कीटोन है, कीटोन को तो कुछ नहीं कहेगा KMnO4, किसको बोलेगा वो? किसको दिक्कत होगी? इसको दिक्कत होगी, फर्दर किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? एसिड में चेंज हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। बोलो बात जची क्या नहीं जची, बताओ? यस मैम। यस मैम। ओके जच गई है, तो देखो ये स्टूडेंट्स देखो ये फिर लीव कर गए, बहुत बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात है। इसके बाद है बच्चे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, लिसिस का मतलब टूटना, ब्रेक। ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन यहाँ पे यूज किया है। ये वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? O3 की प्रेजेंस में होती है, और जिंक लेते हैं, सेम डिट्टो का कॉपी, डिट्टो कॉपी क्या है? KMnO4। इसमें भी क्या करना है बच्चे? आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ। बस इसमें क्या फर्क है कि अगर इसमें एल्डिहाइड बन जाता है तो आप उसको फर्दर चेंज नहीं करोगे, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रहने देना, कीटोन को कीटोन ही रहने देना। जैसे देखो इसका नाम इन्होंने बता रखा है HCHO का, अभी लर्न कर लो मेरे आगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें एल्डिहाइड मिल सकता है आपको, कीटोन भी मिल सकता है। बोलो हाँ कि ना? यस। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया? ये वाला ओजोनोलिसिस है, इसमें क्या किया? डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, क्या होगा? एक ऑक्सीजन इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, बताओ बना के नहीं? दो एल्डिहाइड बन गए, दो इथेनल मिले, बताओ बना के नहीं? यस मैम। उसके बाद इसमें भी आप क्या करोगे? ओजोनोलिसिस करोगे, डबल बॉन्ड को हटा दो, डबल बॉन्ड को जैसे ही हटाया तो क्या बना? एक ओ यहाँ चिपका दिया और एक ओ जो है इसके साथ चिपका दिया, बताओ ये क्या बना? तीन कार्बन है प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड मिल रहा है, और ये दो कार्बन है एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या होगा? इथेनल। हाँ या ना? यस मैम। अभी तो आप बच्चे ये वाले क्वेश्चन करो, सिंपल वाले। एक्चुअल में आप आज क्या करेंगे? आज आप मेरी बात मानेंगे, एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे मेरे कहने पे, उसमें ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज। किसके ट्राई करेंगे? ओजोनोलिसिस के। और किसके ट्राई करेंगे? एलिमिनेशन के। और किसके ट्राई करेंगे? डिहाइड्रेशन वाले के। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था बताओ? डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और क्या निकलता है इसमें से? पानी निकलता है, क्या निकलता है? रिमूवल ऑफ H2O। और एलिमिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन और हेलोजन जो है साइमल्टेनियसली निकलते हैं, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं मिलता।
ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपको। अगर डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो पानी को निकालो और देखो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। क्लियर है बच्चे? ओके तो नमन मैं आगे करवा भी नहीं रही बेटा, एक्चुअली पता है, देखो मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ, मुझे पता है एल्कीन के मैंने सारे टॉपिक नहीं कराए, ठीक है, नहीं कराया। एक्चुअली क्या है, हम आपको चार टेस्ट देने वाले हैं, राइट, उसके बाद ताकि आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाए, थोड़ा मुझे समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ताकि सिलेबस स्टार्ट हो जाए, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एल्कीन कराया, एल्कीन तो वैसे 2-3 दिन का है ना, मैंने इसको, इसमें आपको क्या करवाया, मेन मेन टॉपिक कवर कराए हैं जिस जो आपके डीपीपीज और टेस्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सिर्फ 1.25 घंटा ही मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराने के लिए, ताकि आप अपना असाइनमेंट और अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सको। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम जब हमारा सिलेबस खत्म होगा आप इतना ही एल्कीन कराओगे, तो वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, उसमें तो मेरे को 2 दिन चाहिएंगे आराम से, समझ रहे हो, चाहे हो सकता है 3 दिन भी चले जाए, लेकिन क्योंकि ये आपकी जस्ट, मैं आपको बोल सकती हूँ एक तरह से आप डेमो ले रहे हो, जो आपके 4 टेस्ट होंगे इनके बेसिस पे, तो जितना टॉपिक आपको करवाया जा रहा है, जैसे मान लो आपको मैंने 1 घंटे में करा दिया, तो इसको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, टेंशन ना लो, मैं नोट्स अच्छे से बना के दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सारी चीजें, अभी तो मैंने ज्यादा चीजें नहीं लिखी है, लेकिन अच्छे हैंड राइटिंग में लिख दूंगी। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझो, ठीक है, जितना मैंने 1.25 घंटे में करवाया इसको रिवाइज करो, इसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं असाइनमेंट और टेस्ट में, ठीक है। हो सकता है 1-2 अलग भी हो, तो वो जस्ट आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैम एल्कीन आप आगे भी ऐसे ही कराओगे जल्दी, तो नो, बिल्कुल भी नहीं, वहां पे हम पूरा टाइम लेंगे, वहां पे तो पूरा टाइम लेंगे, क्योंकि फिर वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी ना, समझ रहे हो, एग्री कर रहे हो बच्चे मेरे से? यस मैम। देखो अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, मैं चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देती हूँ, और इसमें क्या बोल रखा है, ओजोनोलिसिस करवा दो, तो इसमें भी सेम फंडा है बच्चे, इस वाले बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है, कैसे लगाओगे देखो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो देख रहे हो ऐसा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। मतलब बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे हमें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, चाहे आपके पास कैसा हो, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, इसमें भी सेम यही करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाओ, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाओ, देखो कैसे बनेगा, पहले तो बिल्कुल वैसे का वैसे लिख लो सबको, देखो यहाँ डबल बॉन्ड ओ और एक यहाँ डबल बॉन्ड ओ, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो और इसकी पूरी है, तो देख पा रहे हो कैसे बन रहा है आपका, हाँ या ना? Yes, ma'am. और अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह, यहाँ तो ओजोनोलिसिस था, अगर मान लो इसकी जगह होता KMnO4 in the presence of H+, तो क्या होता, जो आपका एल्डिहाइड बना है वो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाता, बताओ मुझे मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे यहाँ पे क्या बना है, ये बना है एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, देखो ये तो वैसे का वैसे रहने दो, कीटोन है, और ये कैसे चेंज हो जाएगा, CHO COOH, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? Yes, ma'am. है ना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपको ये कुछ दे रखा है इस टाइप से, तो इसमें भी क्या करना है, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है, उसके बाद बना के फिर ये वाला बोन ब्रेक कराओ, ये वाला बोन, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको? Yes, मैं बना के दिखाऊं, बना के दिखाती हूँ, चलो पहले इस बोन को ब्रेक करते हैं, इसको ए नाम लेते हैं, इसको भी, देखो क्या बनेगा, पहले इस बोन को ब्रेक करवाया, यहाँ पे डबल बोन्ड ओ लगा दो, ठीक है, फिर क्या बचेगा, फिर ये सारा बचेगा, ये वाला पीछे वाला, क्योंकि अभी मैं ए को ब्रेक करा रही हूँ, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बोन्ड ओ लग जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे और फर्दर एल्कीन है, इसको ब्रेक करवा दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, देखो कैसे बनेगा, इसको ब्रेक करवाया, डबल बॉन्ड ओ बना, है ना, और फिर इसको ब्रेक करवाया, ये वाला क्या बना, यहाँ पे ओ लगा दो, समझ पा रहे हो, बस इसको हटाना है, जहां जहां डबल ये वाला कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड ओ चिपकाते जाओ, ठीक है बच्चे? ये क्या है, CH3CHO, क्या नाम है इसका, मिथेनल है, ठीक है, इसका इसका नाम भी क्या है,
इसका नाम भी क्या है, मिथेनल, यानी कि आपको इस केस में दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं मिथेनल के। इसका नाम क्या होता है बच्चे, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, इसका नाम होता है, इसका नाम याद रख लो, ग्लाइओक्सल। क्या होता है? ग्लाइओक्सल, याद रखो ग्लाइओक्सल। ठीक है बच्चे, ऐसे करने हैं। तो आज आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे, ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एलिमिनेशन के प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बच्चे? मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बच्चे मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगी, आज क्या है फ्राइडे है ना, कल तक कर देती हूँ क्योंकि। हाँ बच्चे, नमन क्या कह रहे हैं? मैम जो ये प्रोडक्ट है मैम वो इथेनॉल है। ओ सॉरी, मैंने मिथेनॉल लिख दिया था, आई एम सो सॉरी, इथेनॉल है, सो सॉरी बेटा, दो कार्बन है ना, इथेनॉल। नमन कह रहे हैं याद कैसे रहता है, अरे बच्चे कितने साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, अब तो दिमाग में रट गई है ये चीजें। ठीक है, चलो समझ में आया बच्चे, जितना भी मैंने कराया चुटकू सा तो नहीं, थोड़ा सा करवाई दिया लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करवाया कि आप रिवाइज ना कर पाओ। बताओ मुझे, हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस किया बेटा मैंने भी, ठीक है, ट्वेल्थ में भी बहुत प्रैक्टिस की थी, सारे क्वेश्चन लगा देती थी मैं, एनसीईआरटी तो करके ही जाती थी। बोर्ड की बात करूं वैसे मैं, क्योंकि मैंने जेईई नीट का पेपर नहीं दिया था ना, मैंने बीएससी की थी, तो मैंने क्या किया था, सारे एनसीईआरटी तो मैं बिल्कुल घोट के गई थी अंदर तक, एनसीईआरटी में से ही आती ऑर्गेनिक, तो और प्रदीप के क्वेश्चन लगा लिए थे और कुछ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन की थी बोर्ड की, क्योंकि ट्वेल्थ में परसेंटेज तो बच्चे मेरे 85 थे लेकिन केमिस्ट्री में मेरे 95 मार्क्स थे। आप सबके भी आ सकते हैं, आप लोगों का तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, मेरे टाइम तो सेमेस्टर सिस्टम भी नहीं था, मैंने तो पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा था। ठीक है, और मैं भी ट्यूशन जाती थी। मैम आप हट गया, वो क्या पूरा गया? सेमेस्टर सिस्टम हट गया मैम। अच्छा, मतलब पूरे में भी तो चैप्टर तो रिड्यूस किए ही है उन्होंने, चार पांच कर दिए। फिर हमारे टाइम तो वो भी रिड्यूस नहीं किए थे, पोथे पढ़ के जाते थे हम तो। हाँ, फिजिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती, अभी तक नहीं अच्छी लगती, मैम जी प्रो है। फॉर्मूले वगैरह ज्यादा है ना उसमें, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। किसमें बच्चे? फिजिक्स के अंदर। अच्छा, पता नहीं मेरे को तो ना फिजिक्स कभी पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन हाँ आपको ऐसे नहीं करना, मेरे 90 मार्क्स आए थे फिजिक्स में भी। ठीक है, तो पढ़ के तो मैं 12th में गई थी, वो बीएससी में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था फिजिक्स, वो अलग बात है, लेकिन मेरे फिजिक्स में भी मार्क्स अच्छे थे, तो पढ़ के तो जाना है बच्चे। ठीक है, मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे मार्क्स, तभी मेरी परसेंटेज थोड़ी कम रह गई। हाँ जी मनोज, क्या कह रहे हो? मैम आपके पास पीसीएम थी? हाँ मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, मैथ्स थोड़ा मेरा मतलब ठीक था, मैथ्स फिजिक्स से तो ठीक था, लेकिन पेपर थोड़ा ऐसे आ गया था कि मेरे मैथ्स में काफी कम मार्क्स चले गए थे, 75 चले गए थे, इस वजह से परसेंटेज कम हो गई थी। चलो कोई नहीं, मेरी तो होगी जो होना था। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से करना है ना, पहले इसको रिवाइज करना, नोट्स मैं देखती हूँ, मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं बना देती हूँ नोट्स और अपलोड भी कर दूंगी कल तक, लेकिन तब तक आप ये करेंगे रिवाइज करके और क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैम, व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे पहले वाले नोट्स मिले थे वैसे ही अब वाले मिलेंगे। मैम पहले वाले ओपन ही नहीं हो रहे। ओपन नहीं हो रहे, ऐसे कैसे हो सकते? चलो मैं बोलूंगी, एक्सेस हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं बोल दूंगी, असाइनमेंट जरूर सोल्व कर लेना बेटा, प्लीज असाइनमेंट सोल्व कर लेना, मतलब डीपीपी कह रही हूँ, प्लीज सोल्व कर लेना, क्योंकि संडे को एल्कीन का टेस्ट है, फिर एल्कीन की भी डीपीपी मिल जाएगी, फिर सारा इकट्ठा नहीं करोगे आप। ठीक है, पहले इसको रहने देना, एल्केन को पढ़ना। हाँ हाँ नमन, जाओ 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 जाओ। वो टेस्ट है उसकी मार्क्स नहीं है क्या? सैफ क्या कह रहे हो बेटा? वो मार्क्स, वो टेस्ट है उसकी मार्क्स जुड़ेंगे। देखा, वो ना मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि मार्क्स नहीं लग रहे हैं।